सोमवार 25 जुलाई को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर पिछले 4 वर्षों से लंबित शिक्षण भर्ती 2018 को पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग कराते हुए शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की है। भारी बारिश होने के बावजूद भी प्रदेश के कोने कोने से आए हुए पात्र अभ्यर्थियों ने ISBT से पैदल मार्च करते हुए लोक शिक्षण संचालक पर जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षण भर्ती को पूर्ण कराने की मांग की है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके चलते स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग ने नवीन शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए अतिथि शिक्षकों के पंजीयन शुरू कर दिए हैं, जबकि स्थायी शिक्षक भर्ती अभी भी अधूरी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अतिथि शिक्षकों की जगह समस्त रिक्त पदों पर पदवृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग कराते हुए स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को भोपाल में आयुक्त लोक शिक्षण संचालय से लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षण पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश संयोजक रंजीत गौर एवं अन्य अभ्यर्थियों ने बतलाया कि स्थायी शिक्षक भर्ती पिछले 4 सालों से लंबित है, अतः सरकार को उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए द्वितीय काउंसलिंग कराते हुए शिक्षण भर्ती पूर्ण करना चाहिए, उसके बाद शेष रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करना चाहिए। जो अप्रैल 2023 की उन्होंने घोषणा कर दी है, पहले जो 2018 के अभ्यर्थी हैं, चयनित पात्र हैं, वेटिंग लिस्ट में प्रतीक्षा सूची में अपना इंतजार कर रहे हैं, उनको तो वो नियुक्ति नहीं दे रहे हैं और नए सिरे से एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। क्या उन्होंने शिक्षक भर्ती को अपने फंड कलेक्शन का एक जरिया बना रखा है? स्पष्टीकरण दें, वो बताएं। जब हम लोग अभी सड़क पे भटक रहे हैं, नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो नई नियुक्तियों की घोषणा कैसे कर सकते हैं? पहले हम लोगों के साथ तो न्याय करें। मामा मामा कहते हैं तो ये भांजे भांजियाँ क्यों परेशान हो रहे हैं, जबकि हम लोगों के हाथ में उनने जो योग्यता की लिस्ट बनाई थी, सूची बनाई थी, वो सारी चरणों को हम लोग पार कर चुके हैं, उसके बाद भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, ये विडम्बनापूर्ण स्थिति है हमारी। मैं आकांक्षा गुप्ता जी, आज आप नगर निगम कमिश्नर कार्यालय में आए प्रदर्शन करने, क्या मांगे हैं? आज हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती पूर्ण कराने की मांगों को लेकर, शिक्षक भर्ती पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय एवं प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग को ज्ञापन देने आए हुए थे, लेकिन बरसात अधिक होने की वजह से हम लोग बाहर से आए हुए थे, तो यहाँ पर हम रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक यहाँ से जो नगर निगम से कमिश्नर महोदय जी हैं, तो हम लोगों की सहमति बनी कि हम उनको भी हमारी मांगों से अवगत कराएं। आज अभी हम कमिश्नर जी को ज्ञापन सौंपते हैं, उसके बाद अन्य शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन सौंपने जाएंगे। शांतिपूर्वक हमारा ये कार्यक्रम है। नीलम पार्क में परमिशन भी चाही गई थी, लेकिन परमिशन किसी कारण से अभी हमारी नहीं हो पाई है और हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक है। हमारी मांगें हैं कि शिक्षक भर्ती 2018 विगत 4 वर्षों से लंबित है, बड़े ही धीमे गति से चल रही है। हमारी मांग है कि जो पद शेष हैं उन पर, और जो पद बढ़ाए गए हैं, अधिकारियों ने हमको कई बार मौखिक आश्वासन दिया है, एक बार नहीं हजार बार, कि आपके रिक्त पदों में वृद्धि कर दी गई है और उनके लिए सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन आज दिनांक 25 जुलाई तक सेकंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम प्रमुख रूप से पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग की मांगों को लेकर आज भोपाल में आए हुए हैं, जिससे कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द हमें 15 अगस्त से पहले शिक्षक बनाकर हमें हमारे विद्यालयों में भेजे, क्योंकि हम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, 10 वर्षों के बाद शिक्षक भर्ती हुई थी। उसके साथ भी हमारी 2-3 मांगे और हैं, जैसे कि वर्ग 3 का परीक्षा परिणाम, अन्य शेष अभ्यर्थी जो चयनित हैं उनको भी नियुक्ति पत्र दिए जाएं, जो छूट रहे हैं किसी कारण से उनको अंदर लिया जाए, क्योंकि प्रदेश में 87,630 पद रिक्त हैं आज की तारीख में। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो सकती है, फिर स्थायी शिक्षक भर्ती क्यों नहीं? आज भी अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण बुलाए जा रहे हैं, उनके पंजीयन शुरू कर दिए हैं अतिथि शिक्षकों के, जबकि हम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी सड़कों पर बेरोजगार हैं। ये बड़े शोचनीय विषय है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन, ऐसा कोई सा दिन नहीं है, आप देख लीजिए मीडिया में, प्रतिदिन 1 लाख युवाओं को नौकरी दे रहे हैं,
एक लाख युवाओं को प्रतिदिन और तत्काल शिक्षक भर्ती की घोषणाएं करते हैं और हम यहां पर बरसों से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं अपने आप को मामा कहते हैं, हम भांजे भांजियों की मांग है कि तत्काल दो दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, नहीं तो हम फिर से आएंगे मुख्यमंत्री निवास और विधानसभा भवन का घेराव करेंगे। पहले भी तैयारी यही थी लेकिन हमारे डर से विधानसभा सत्र सितंबर में कर दिया है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।